नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी आपको प्रेरणाएं देंगी। इस कहानी को सुनने के बाद यदि आप इस पे अमल करते हैं तो आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते और आप जीवन भर कामयाबी को पाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक टिटेरी और एक टिटेरा के ऊपर है। ये कहानी एक टिटेरी और एक टिटेरा की है। प्रिय दर्शकों, टिटेरी और टिटेरा को आपने काफी बार देखा होगा, ये खेतों में और खलियानों में अक्सर बैठे रहते हैं। प्रिय दर्शकों, टिटेरी जो पक्षी होता है ये अपने नियम पर बहुत पक्का होता है। प्रिय दर्शकों, टिटेरी को भगवान ने पारस पत्र की भी प्राप्ति दी है। टिटेरी को पारस पत्र की बहुत अधिक जानकारी होती है क्योंकि जब ये अंडे देती है तो अंडे देने के बाद जब अंडे पक जाते हैं तो उनको फोड़ने के लिए ये पारस पत्र का उपयोग करती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। प्रिय दर्शकों, टिटेरी कभी वृक्ष पे नहीं बैठती। कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि टिटेरी किसी वृक्ष पे बैठी हो। टिटेरी अपने नियम पर बहुत अड़िग रहती है। इंसान अपने नियम को भूल चुका है मगर आज भी पक्षी जो है अपने नियम पर अड़िग है। टिटेरी का नियम है कि वो जमीन पर बैठेगी तो जमीन पर ही बैठती है, वो कभी भी किसी वृक्ष में नहीं बैठती। प्रिय दर्शकों, टिटेरी अपने वचनों से इतनी बंधी हुई होती है कि वो अपने वचनों को कभी तोड़ नहीं सकती। इसीलिए जहां भी आपको टिटेरी मिले तो टिटेरी को कभी भी सताना नहीं चाहिए। कहते हैं यदि किसी बंदे को टिटेरी का श्राप लग जाए तो उसको 7 जन्म तक भुगतना पड़ता है। इसीलिए टिटेरी पक्षी को कभी भी परेशान ना करें। अक्सर छोटे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि टिटेरी जहां अंडे देती हैं तो वहां बच्चे जाते हैं और उन अंडों को फोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है कि टिटेरी के अंडों पर यदि किसी पुरुष की या किसी महिला की छाया पड़ जाती है तो टिटेरी उन अंडों को नहीं संभालती, उन अंडों को छोड़ देती है और उस व्यक्ति को श्राप देती है जो व्यक्ति टिटेरी के अंडों पर अपनी छाया करता है। ऐसे व्यक्ति को टिटेरी श्राप दे देती है। इसीलिए ध्यान रहे, टिटेरी के अंडों के नजदीक भी ना जाए। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक समुद्र के किनारे एक टिटेरी और एक टिटेरा रहा करते थे। प्रिय दर्शकों, टिटेरी गर्भवती थी। जब उसका प्रसव का समय नजीक आने लगा तो टिटेरी अपने टिटेरा से कहती है कि प्रिय, हम यहां से दूर चले जाते हैं क्योंकि यहां पे समुन्द्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और समुन्द्र हमारे अंडों को बहा करके ले जाएगा, इसीलिए हमें यहां से दूर चलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, टिटेरा बहुत घमंडी था। टिटेरा में बहुत तगड़ा गुरूर था। टिटेरा टिटेरी से कहता है कि प्रिय, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समुद्र हमसे डरता है, समुद्र मुझसे डरता है। समुद्र की इतनी औकात नहीं है कि जो वो हमारे अंडों को यहां से बहा करके ले जाए। टिटेरा इतनी बात को कहता है टिटेरी से। इस बात को समुद्र सुन लेता है। टिटेरा रोज ऊपर को पांव करके सोता है। क्यों सोता है? उसका कारण है, टिटेरा यह सोचता है यदि ऊपर का आसमान गिर जाए तो मैं अपने पांवों से उस आसमान को रोक सकता हूं। यदि हमें पता नहीं होगा और हमारे पांव ऊपर को नहीं होंगे तो आसमान हम पे गिर जाएगा। इसीलिए टिटेरा रोज ऊपर को पांव करके सोता है ताकि आसमान गिर जाए तो मैं उसको रोक सकूं। प्रिय दर्शकों, टिटेरी बार बार टिटेरा को समझाती है कि देखो जी, हमें यहां से दूर चलना चाहिए और कभी भी समुद्र की लहर आ सकती है और हमारे अंडों को बहा करके ले जाएगी। टिटेरा टिटेरी की बात नहीं मानता है और कहता है कि समुद्र की इतनी औकात नहीं है जो हमारे अंडों को बहा करके ले जाए। यदि समुद्र ऐसा करता भी है तो मैं समुद्र का नामो निशान मिटा दूंगा। इतनी बात टिटेरा टिटेरी से कहता है। प्रिय दर्शकों, टिटेरी का प्रसव का समय नजदीक आ गया और टिटेरी ने अंडे दे दिए। टिटेरी ने जब अंडे दिए तो टिटेरी अपने अंडों की अच्छी से रखवाली करती। टिटेरी अंडे देकर अपने अंडों की अच्छे से रखवाली करती। उधर समुद्र सोचने लगा कि टिटेरा के अंदर बहुत ज्यादा घमंड भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा गुरूर भरा हुआ है।
इसके गुरूर को तोड़ना चाहिए। यही सोचकर समुंदर तगड़ी सारी तूफान जैसी लहरें उठती हुई और समुंदर से आती हैं। समुंदर तूफान जैसी लहरें उठाता है और टिटेरी की तरफ बढ़ता चला आता है। प्रिय दर्शकों, जब समुद्र की तगड़ी लहरें आती हैं तो टिटेरी और टिटेरा दोनों उड़ जाते हैं और टिटेरी के अंडे समुद्र बहा करके अपने साथ भी समुद्र में ले जाता है। उधर टिटेरी टिटेरा से कहती है कि दुष्ट, मैंने आपसे कहा था कि यहां से दूर चले जाएं, अब देखिए क्या हुआ, हमारे अंडों को समुद्र बहा करके ले गया है। टिटेरा घमंड में चूर, मद में चूर टिटेरी से कहता है कि मैं अब समुद्र का नामो निशान मिटा दूंगा, पूरे समुद्र का जल को मैं अपनी चोंच में भर लूंगा। टिटेरे की ऐसी बातें सुनकर टिटेरी टिटेरा से कहती है कि तुम्हारी छोटी सी चोंच है, समुद्र बहुत विशाल है, कैसे तुम इसके जल को अपनी चोंच में समा पाओगे। लेकिन फिर भी टिटेरा नहीं मानता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अपने परिवार वाले या अपने बड़े बुजुर्ग आपको कोई सलाह देते हैं तो उस सलाह को जरूर माननी चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि अपने परिवार वालों की सलाह नहीं मानते हैं और उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। इसीलिए अपने परिजनों की या अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर माननी चाहिए। आगे टिटेरा कहता है कि मैं अब देखिए समुद्र का नामो निशान मिटा दूंगा। टिटेरा कहता है कि मैं समुद्र का सारे जल को अपनी चोंच में भर लूंगा। टिटेरी फिर टिटेरे को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि समुद्र बहुत विशाल है, बहुत विशाल है समुद्र, इसके जल को आप अपनी चोंच में नहीं समा सकते, इससे तो अच्छा यह होगा कि आप सभी पक्षियों की सहायता लें। टिटेरा टिटेरी की इस बात को मानता है और सभी पक्षियों को बुलाता है और कहता है कि समुद्र ने हम पक्षी जात पर हमला किया है, पक्षी जात के साथ समुद्र ने धोखा किया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि समुद्र को हम सबक सिखाएं और समुद्र के सारे जल को हम अपने चोंच में समा लें। टिटेरा सभी पक्षियों को बुलाकर इस बात को कहता है। सभी पक्षी टिटेरा के साथ लग जाते हैं लेकिन कहते हैं कि टिटेरा जी, हम छोटे छोटे पक्षी हैं, हमारी चोंच में दो चार बूंद से ज्यादा पानी नहीं आ सकता और समुद्र बहुत विशाल है, हम कैसे इस पानी को अपने अंदर समा पाएंगे। लेकिन फिर भी टिटेरा नहीं मानता। टिटेरा कहता है कि तुम तो मेरा सिर्फ साथ दे दो, मैं अकेला ही बहुत हूं, इस समुद्र के जल को अपने अंदर समाने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूं। प्रिय दर्शकों, सभी पक्षी मिलकर टिटेरा को फिर समझाते हैं और कहते हैं कि टिटेरा जी, आपकी और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इस जल को अपने अंदर समा सके, इससे अच्छा तो यह होगा कि हम गरुड़ भगवान के पास जाएं और गरुड़ भी एक पक्षी है, वो हमें अच्छी सलाह दे सकते हैं और वो श्री हरि विष्णु का वाहन भी है। प्रिय दर्शकों, सभी पक्षियों की बात सुनने के बाद टिटेरा और अन्य पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाते हैं और गरुड़ से जाके अपनी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि समुद्र ने हमारे साथ, हम पक्षी जाति के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है और वो हमारे अंडों को किडनैप करके ले गया है। सभी पक्षियों की इतनी बात सुनने के बाद गरुड़ भगवान, गरुड़ देवता उन पक्षियों से और टिटेरा से कहते हैं कि समुद्र बहुत विशाल है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसके एक कण बरोबर भी हम नहीं हैं, इसीलिए हमें श्री हरि विष्णु के पास जाना चाहिए, श्री हरि भगवान के पास जाना चाहिए, वही हमें कुछ रास्ता बता सकते हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन फिर भी टिटेरा अपने घमंड में चूर कहता है कि समुद्र को हम ही सबक सिखाएंगे। गरुड़ के काफी समझाने के बाद टिटेरा मानता है और श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं। श्री हरि विष्णु को जाकर के वो कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि समुद्र देव ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है और हमारे अंडों को बहा करके ले गया। प्रिय दर्शकों, गरुड़ के कहने पर श्री हरि विष्णु तैयार होते हैं और समुद्र देव के पास आते हैं और समुद्र देव से कहते हैं, ए समुद्र, तुमने पक्षी जाति के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है, इसलिए हो सके
तो अभी तुरंत इसी वक्त इनके अंडे लौटा दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु की इतनी बात सुनने के बाद समुद्र देव प्रकट होते हैं और अपने जल को समेट लेते हैं। टिटेरी के अंडे टिटेरी को वापस दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, समुद्र देव कहते हैं, श्री हरि विष्णु से समुद्र देव हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो टिटेरा है ये मेरे को धमकी दे रहा था और कह रहा था कि समुद्र देव मेरे से डरता है और समुद्र को मैं सबक सिखा सकता हूं, एक चुटकी बजाते ही मैं समुद्र का नामो निशान मिटा दूंगा, इसलिए इसके घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी खतरनाक साबित होता है, इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रखना खतरे को न्योता देता है, इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। प्रिय दर्शकों, हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी हमें यदि सलाह देता है तो उस सलाह पर जरूर हमें अमल करना चाहिए। यदि हमसे छोटे भी हमें सलाह देते हैं तो उस पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए, हो सकता है वो सलाह आपके काम की हो और वो सलाह आपका जीवन ही बदल दे। इसीलिए सलाह चाहे छोटे दो या बड़े, सलाह कहीं से भी ग्रहण हो, ज्ञान कहीं से भी ग्रहण हो, उसके तुरंत अर्जित करना चाहिए और अपने परिजनों की तो बात कभी नहीं टालना चाहिए। इसलिए हो सके तो अपने परिजनों की बातों पर हमेशा अमल करें। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो आप अपने परिजनों की बातों पर तो जरूर अमल करें। प्रिय दर्शकों, आपके परिजन जो भी बात आपसे कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं, न कि आपका बुरा चाहते हैं, नहीं, आपके परिजन हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। और ज्ञान कहीं से भी अर्जित हो उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान चाहे छोटा इंसान दे या बड़ा, ज्ञान जहां से भी मिले उसको अर्जित करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और इससे आप ढेरों सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।